अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड कौन सी नेम रिएक्शन देते हैं? 1 डिग्री मोनोअल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड में आप किस प्रकार से डिफरेंस करेंगे? आइए इन सब क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए हम कैनिजारो रिएक्शन की स्टडी करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। नेम रिएक्शन की वीडियो लेक्चर की सीरीज में ये हमारा 7th वीडियो है। 6 वीडियो में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम कैनिजारो रिएक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस। कैनिजारो रिएक्शन 11th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन को आप अपनी बुक में अलग अलग चैप्टर्स जैसे कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन और उसकी एक रिएक्शन लिखी हुई है। आइए इसकी स्टडी करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड की 50% NaOH से अभिक्रिया कराने पर एक एल्डिहाइड का अपचयन संगत एल्कोहल में तथा दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में होता है। HCHO+HCHO, यहाँ पर HCHO के हमने दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं, 50% सांद्रता वाले NaOH से उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक फॉर्मल्डिहाइड मैथिल एल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होता है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर कुछ रेड कलर से अंडरलाइन किए हुए शब्दों को भी देख रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम इनकी स्टडी करेंगे। आइए पहले टर्मोलॉजी की स्टडी करते हैं। पहला टर्मोलॉजी है अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्बन सीरीज लिख रखी है, CH3, CH2, CH2X। यहाँ पर कोई भी ग्रुप या फिर हैलोजन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है X=CLBRI या फिर एनी ग्रुप जैसे कि CHO ग्रुप, COOH ग्रुप, OH ग्रुप, NO2 ग्रुप और भी कोई अन्य ग्रुप यहाँ पर हम ले सकते हैं। इस ग्रुप से अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से लगे हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं और बीटा कार्बन से लगे हुए कार्बन को हम गामा कार्बन कहते हैं। यद्यपि यहाँ पर हमको बीटा और गामा कार्बन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर केवल अल्फा कार्बन ही समझना है। तो हमने ये जाना कि किसी ग्रुप से लगे हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे कि आप सामने सीरीज में देख रहे होंगे कि अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन सीरीज में 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। यहाँ पर हम कैनिजारो रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं और कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है, केवल वही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स लिख रखे हैं। आइए उनमें देखते हैं कि कौन से एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। सामने आप कुछ एल्डिहाइड लिखे हुए देख रहे हैं, CH3, CH2, CHO। यहाँ पर अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कह देंगे। क्योंकि इस अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो हम कह सकते हैं CH3, CH2, CHO 2 अल्फा हाइड्रोजन रखता है। नीचे एक अन्य एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड एसिटल्डिहाइड दे रखा है, इसके एल्डिहाइड ग्रुप को हमने ब्लॉक में बंद कर रखा है और ये वाला जो कार्बन है वह अल्फा कार्बन एटम है। इस पर भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड पर 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। इसके नीचे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिख रखा है, एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। यदि हम इस पर अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस हाइड कंटेनिंग कंपाउंड में अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब इस पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो हमने ये जाना कि एसिटल्डिहाइड पर 3 अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जबकि फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड है जिस पर कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। हम कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। यही कारण है कि फॉर्मल्डिहाइड
कैनिजारो रिएक्शन देते हैं क्योंकि उनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है, जबकि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए वह कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। आइए नेक्स्ट टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हिंदी में यदि हम इसको समझाएं तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। यदि हम सामने ग्रीन बोर्ड पर देखें तो हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई देख रहे हैं, जिसमें कि 1 डिग्री मोनो अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया है तो हमको संगत एल्डिहाइड मिला है, और पुनः इसका ऑक्सीकरण कराने पर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह हमको प्राप्त होता है। संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यदि हम अपचयन कराते हैं तो हमको संगत एल्डिहाइड मिलता है, और संगत एल्डिहाइड का हम यदि अपचयन कराते हैं तो हमको पुनः 1 डिग्री मोनो अल्कोहल मिलता है। संगत का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड। जितने कार्बन एटम 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन एटम संगत एल्डिहाइड में भी उपस्थित होंगे। तो संगत का मतलब है यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि हम यहाँ पर एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स को देखें तो हम समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सीकरण कराने पर संगत कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज होता है, इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, जबकि संगत एल्डिहाइड का यदि हम अपचयन कराते हैं तो वह 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में चेंज होता है, इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। यही हमारी कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन को यदि आप देखते हैं तो वह बताती है कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड की 50% NaOH से अभिक्रिया कराने पर एक एल्डिहाइड का अपचयन संगत अल्कोहल में होता है। तो यहाँ पर संगत एल्डिहाइड का यदि हम अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन का योग कराते हैं तो वह 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में चेंज होता है, यही हमारी कैनिजारो रिएक्शन बोलती है। जबकि दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में होता है। यदि हम इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में चेंज होता है, यही हमारी कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन को समझने के बाद हमने कैनिजारो रिएक्शन की टर्मोलॉजी की स्टडी कर ली है। रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को हम अपने सुविधा के लिए 4 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में कैनिजारो रिएक्शन में उपस्थित 50% सांद्रता का NaOH इस प्रकार से NaIn और OHIn में डिवाइड हो जाएगा, और अल्फा अनुपस्थित वाला एल्डिहाइड अर्थात फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में OHIn कार्बोकैटायन से अटैच हो जाएगा और इस प्रकार हमको NaIn प्राप्त होगा। थर्ड स्टेप में NaIn का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब दूसरे अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड के पाई इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कार्बोकैटायन कार्बन की ओर अटैच हो जाएगा और इस प्रकार से हमको NaIn प्राप्त होगा। फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप से प्राप्त कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और यहाँ से H निकल करके नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा और इस प्रकार से हमको CH3OH मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और HCOO आयन मिलेगा। प्राप्त HCOO आयन NaIn से रिएक्शन करके HCOONa अर्थात सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको देगा। इस प्रकार हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिखेंगे और उसकी बार बार स्टडी करेंगे। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे।